श्रीमद् भगवद गीता के गीता महात्म्य की एक कहानी है सुशर्मा नामक ब्राह्मण की। ये सुशर्मा नामक ब्राह्मण इसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी इसने बहुत सारी गलत आदतें पाली, पापमय जीवन जीता है। एक बार वो कुछ जंगल में कुछ पत्तियां वगैरह लेने गया और उसी समय एक काले सर्प ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण के इस जीवन में ब्राह्मण के कुल में उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो सारे गलत काम किए थे, पाप पूर्ण करते थे, मदिरा पीता था, चोरी करता था, हिंसा करता था। तब मृत्यु हो गई एक सर्प के डसने के कारण उसकी, और उसको उसके फलस्वरूप नरक में जाना पड़ा और अलग अलग यातनाएं मिली, और फिर से उसको अगला जन्म मिला एक बैल के रूप। बैल के रूप में उसका जन्म हुआ और बैल के रूप में धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसको बेच दिया गया और एक लंगड़े आदमी ने उसको खरीद लिया। लंगड़ा आदमी उसी के एक गाड़ी में उसको जोत कर उसके बहुत सामान रखकर अलग अलग जाता था। इस तरह 7-8 साल वो बैल उस लंगड़े आदमी की सेवा किया। एक बार वो लंगड़ा आदमी उसी बैल को लेके एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था और रास्ते में बैल बहुत थक गया और वो प्यास के कारण थक गया, गिर गया, बेहोश हो गया, कुछ कर नहीं पा रहा। बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए उसको घेर कर, और एक पुण्य आत्मा था उसने बोला कि हे भगवान, प्रार्थना करने लगे सब भगवान की इसकी युक्ति हो जाए। और सब एक व्यक्ति बोला, मैं अपना जीवन में कुछ पुण्य किया हूँ तो भगवान पुण्य ले लीजिए, इसका निकल दीजिए। तो दूसरा भी इसी तरह बोला, अलग अलग लोग बोल रहे थे, युक्ति नहीं हुई। उसी समय एक वेश्या भी खड़ी थी, उसने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, शायद कुछ पुण्य किया हो। तो वेश्या ने भी उसी तरह किया कि भगवान अगर मेरे मेरा कोई पुण्य है तो आप ले लीजिए, उसके बदले में उसको मुक्त कर दीजिए। तो उसकी मुक्ति हो गई। यमराज ने देखे उसके कर्ण में एकदम से बहुत सारा पुण्य आ गया, तो उस पुण्य के फलस्वरूप उसको फिर से मनुष्य जीवन दिया गया और इस बार उसके जन्म एक बड़े शीलवान अच्छे ब्राह्मण कुल में से जन्म हुआ और इस बार अच्छे अच्छा जीवन दिया उसने। और इसको इस बार अपना पूरा पिछला जन्म भी याद था कि मैं पिछले जन्म में बेल था, उस पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था सुशर्मा, पिछले जन्म में इसको पता था और इस बार वो अच्छे से जीवन जी रहा था, कोई गलत काम नहीं करता था, ब्राह्मण को मैं अच्छे से बिंदु में पाठ करता था, धीरे धीरे बड़ा हुआ। लेकिन इसके मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं जब बेल था मुझे एक वेश्या ने मेरा उद्धार किया था, वेश्या ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था। तो पुराने जगह पर गया रिसर्च करते करते, उस वेश्या के पास में गया और वेश्या से मिला भी उस जगह पर। रिसर्च किया उसने, वेश्या बूढ़ी हुई हुई, वेश्या से जाके मिला, उससे चर्चा किया, बस कौन सा पुण्य था, क्या करती हो। वेश्या ने बोला, मेरा तो कोई पुण्य नहीं है, मैं तो किया नहीं, लेकिन मेरे पास में तोता है, रोज कुछ ना कुछ उच्चारण करता है, मैं वो सुनती हूँ और वो सुनने से मेरा हृदय अंतःकरण शुद्ध हुआ, हृदय का शुद्ध होता हुआ। तो फिर वो वेश्या और ये ब्राह्मण दोनों तोते के पास गए, उससे पूछा क्या बोलते हो। तोता भी विशेष प्राणी था, बोलने लगा। उसने अपना इतिहास बताया था कि मैं अपने पिछले जन्म एक ब्राह्मण था, बहुत अभिमानी था, इसी के कारण अगले जन्म में मुझे तोते का शरीर मिला, तोते के शरीर में उसका जन्म हुआ। वो जन्म से उसकी माता पिता से वियोग हो गया और धीरे धीरे इसी कारणवश इस तरह रास्ते में पड़ा हुआ था, तड़प रहा था। उसी समय उधर से ऋषि गण गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक तोता तड़प रहा है, तुरंत उसको उठा दिया, आश्रम में लेके आ गए, उन्होंने वहां पर उसको एक पिंजरे में रख दिया। वो आश्रम में वो देखता था बहुत सारे बालक यहाँ पर रोज भगवत गीता के प्रथम अध्याय का उच्चारण करते, तो तोता भी उनके साथ में उच्चारण करना सीख लिया और इस तरह रोज भगवत गीता के प्रथम अध्याय का उच्चारण करता था। लेकिन एक समय ऋषि के आश्रम में एक चोर आ गया, तो कुछ नहीं मिला, ऋषियों के आश्रम में क्या रहता है, कुछ नहीं मिला, बोले तोते को भी दे चलते। तोता और पिंजरा दोनों को चुरा के लेके आ गया, वो मार्केट में गया, उसने बेचा। उस समय वेश्या आई, उसने पिंजरा खरीद लिया, बेटा खरीद लिया, लेकिन इसकी आदत में आ गया था भगवत गीता के प्रथम अध्याय का उच्चारण करना, तो रोज करता था। और वेश्या घर में अभी तक था, तो वेश्या सुनती थी, तो ये प्रथम अध्याय के उच्चारण से तोता तोते का भी हृदय शुद्ध हुआ, वेश्या का हृदय शुद्ध हुआ, वेश्या ने उसको पुण्य दिया, सुशर्मा का अध्याय हुआ। तो ये प्रथम अध्याय का अच्छा, उसके बाद वेश्या तोता ब्राह्मण सब भगवत गीता के अध्याय का उच्चारण करने का जो
लाभ है उससे इसको नहीं पता चला और उन्होंने नियमित रूप से भगवत गीता की पढ़ाई का चरण करना शुरू कर दिया। इस तरह हमें भगवत गीता के नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण।